सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देरी हो गई। तुम्हें काय अकेले देरी हो गई? बड़को छोटको ये सब तो आ गई, तुमको बुलाने के लिए कन्यौता देना पड़ेगा कि आइए महारानी जी। सासू माँ, वैसे भी ये बिस्तर पे हम तीनों तो नहीं अंटेंगे ना, तो हम प्रिंस से बोल के यहाँ का सामान कुछ कम करवा देते हैं और यहाँ सोने की जगह बनवा देते हैं, ताकि लेट लतीफ बहू जी को यहाँ सोने के लिए जगह मिल जाए। लेट लतीफ लोग वैसे भी ट्रेन और बस में दिक्कत ही पाते, तो हमारी लेट लतीफ छोटकी बहू यही जमीन में बिस्तर डाल के सो जाएंगी। छोटकी बहू, तुम्हारे घर में बताया नहीं गया कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तुम्हारे घर में देवता पितर को कोई मानता नहीं है क्या? कछुए नास्तिक लोग हैं। और तुम दोनों तो सालों से देखती आ रही हो ना कि घर में क्या हो रहा है, इतना रट्टा मारने के बाद ही हाल है, तुम दोनों कैसे भूल गए? माफ कीजिए सासू माँ, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए इस बार। वो कहा है ना, ये घर में इतना पलंजर बवाल मच गया है कि हम उसकी फिक्री में ही भूल गए। ये इतना चिकना हो जाएगा कि भगवान जी भी इसे उठा के ले जाए ना तो फिसलने से नहीं बचेगा। यहां से सामान हटाओ और छोटकी बहू का बिस्तर यहीं जमीन पर लगाओ, और तुम तीनों जाकर नहाकर कपड़े बदल लो और हमें आकर नीचे आंगन में मिलो। और छोटकी बहू तुम, अरे जाओ ना, मुंह में क्या खड़ी हो, हम मटकी में खीर बनाकर रसोई घर में रखाएं, तुम जाकर उसे ले आना, काहे कि तुम्हें ही उसको आंगन में टांगना है।
आज के दिन अलक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के सत्कार में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। मिर्च वाला भोजन अलक्ष्मी जी को पसंद था, इसलिए उसे घर के बाहर रखा जाता। हमने लक्ष्मी जी का भोजन बनाकर घर के बाहर रख दिया। और लक्ष्मी जी को मीठा पसंद था, ताकि वो घर के अंदर आए और वो भोजन घर के अंदर रखा जाता है। ये मटकी आंगन में भगवान जी के सामने टांगी जाती है और ऐसी मान्यता है कि रात भर इसमें चांद का अमृत गिरेगा और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त हो। अरे संभाल के छुटकी बहू, इस घर में इस मटकी और त्योहार की बड़ी मान्यता है। गई भैंस पानी में, बच गई ना सिया रानी के लिए खतरे की घंटी। विजय माँ जी, सासू माँ, और हमसे काहे माफी मांग रही है? तुमसे तो सारा घर माफी मांग रहा है। कहां से बहू बना कर लिया है? कंगन के लिए सबके सामने बेइज्जती की थी ना, इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हम। अब तो जानबूझ कर ये नहीं किया, हमारे हाथ से ये फिसल गई। अरे मटकी तो तुम जानबूझ के तोड़ी हो छोटकी बहू, तुम्हारा परपंच हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेगा। जिस दिन से इस घर में आई हो, कोई एक दिन भी चैन से बैठ नहीं पाया, अब बैठेगा भी कैसे? तुम्हारा ये तिरिया चरित्र किसी को बैठने दे तब ना? अरे तुम तो चाहती हो कि कोई बखेड़ा हो, हम तुम पर बिफरे। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी छोटकी, आते ही हमारे बेटे को परगला दिया। अरे 9 महीना हम उसको अपना पेट में रखे, वो आज हमसे सवाल जवाब कर रहा है। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी, बड़ा मजा आ रहा होगा ना कि हमारा समर तुम्हारे लिए हमसे सवाल जवाब कर रहा है, हमसे जिरह कर रहा है। तो बुला देते हैं समर को। समर कहाँ हो, आ जाओ। तुम तो बड़े न्यायप्रिय हो, तुम्हारी पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ चले आओ, हमसे जिरह करो, बहस करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें गलत साबित करो।
तो दोबारा बन सकती, लेकिन ये मटकी दोबारा नहीं जुड़ सकती। कहे कि मटकी टूट गई। लेकिन सासू माँ, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब मटकी तुमने तोड़ी है तो तुम्हें ही दूसरी मटकी लानी पड़ेगी, चाहे जहां से लेकर आओ, समझी? लेकिन सासू माँ, मटकी कहां से? सरग नरक कहीं से भी लाओ, पर ये मटकी तुम्हें लेकर ही आनी। वाह अम्मा वाह, घर से निकालना ना सही, लेकिन आपने तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। गहना ना देके जो अपमान किया था ना, उसका इससे बढ़िया बदला नहीं हो सकता था। आज शरद पूर्णिमा की रात है, मटकी तो आज रात ही लगे। कप्तान साहब, आजकल आपको हमारे हर बात पे षड्यंत्र की बू आ रही है, और आज भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ले लीजिए छोटी चाची। ये हम अपनी लाए हैं। ये मटकी आप दोनों कहाँ से लाए? चाची, ऊपर छत के स्टोर रूम में जगह में रखते हैं ना, वहाँ हमने इसे रखा था। सब ले लीजिए। मैं जानबूझकर मटकी नहीं गिराई थी, दिव्या, अरे तुम काहे क्रोध में लाल पीला हो रही है? अरे क्रोध शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिना मतलब को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो धुकधुकी बढ़ जाएगा दिव्या, याद रखना। इसलिए तो कह रहे हैं कि हार्ट का इशारा समझो। हमारे हार्ट को कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बेटे के वियोग में सिधार गए, लेकिन हम ना मिट्टी के नहीं बने। अरे हम अपने कोख के जने संतान को जब अपने उसूल के आगे तवज्जो नहीं दिए, तो ये तो दो दिन की आई घर में नई की बहुरिया है। ठीक है भैया, लेकिन देखना कहीं हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। कोई गड़बड़ी नहीं होने दे। छुटकी बहुरिया के आने से जो घर में उत्पात शुरू हुआ है ना, उसे खत्म करना बड़ा जरूरी। हमारे और समर के बीच अनबन करवा रही है, तो बेटी और बहू के बीच में तनातनी करवा रही है। इस तरह अगर कोई हमारे घर की सुख शांति को आग लगाएगा ना, तो हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे।
अरे दिव्या, बिना मतलब का तुम खून जा रही हो। अरे जब 40 साल में इस घर का हवा पानी नहीं बदला, उसी तरह से जिस तरह से 40 साल से इस खीर का खुशबू नहीं बदला, तो इस घर के माहौल को कोई कैसे बिगाड़ सकता है। देख लेना दिव्या, जिस तरह से तुम्हारे इस खीर के स्वाद को लेने से हम अपने आप को नहीं रोक पाते, उसी तरह से इस घर के रंग में रंगने से वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा। लेकिन ये खीर तो कल ही मिलेगी लेटर। अरे दीदिया, आप जानती हो दीदिया, ये खीर हमको रात में सपना में भी आएगा। सासुमा, अब ये मत कहना कि तुम्हें मटकी मिली नहीं। दीदिया, अरे छोटकी बहू तो मटकी लेके आई है। नहीं जल्दी? सासू माँ, ये छत पर गमले के पास रखा था। अरे वाह छोटकी बहू, तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी की तरह चाला। इस घर में आए अभी दो दिन भी नहीं हुए कि घर का चप्पा चप्पा छान ली। इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं। जियो जाओ, जाके गेस्ट रूम में सो। जी सासू माँ। अरे मलिकाइन, लेकिन हुआ का तो ऐसे खराब हो गया है, अब हुआ इनको नींद कैसे आएगी? लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर पहले चल रहा है। कटोरी, तुम्हारे कमरे में एसी है? एसी? और हमारे कमरे में? कैसन बात करती है मनकाइन, अब हम भले एसी उसी में सोतेंगे, ये सब हमको शोभा देगा का? तो तुम्हें नींद आती है? जब तुम्हें बिना एसी के नींद आ सकती है तो इन लोगों को भी आ जाएगी। बुढ़को पनो माटी में, अब इनको हम उपाठ पढ़ाएंगे कि पकोड़े में मिर्चा जैसे भूल नहीं पाएंगे, कल की सुबह सब पर भारी पड़ेगी। हाँ इधर रख दो। ए झरझर वाली, ये देखो हो गया हवा का जुगाड़। ए पंखा बहुते दिनों से धूल खा रहा था कमरे में, पर चलता एकदम जोरदार है। थोड़ी सा धूल वूल साफ करो, शायद चल जाए। जरा देख लो कहीं चूहा हुआ ना काट गया उसकी तार। आओ। लेकिन दीदी, क्या हम पंखे में सोएंगे? दीदी हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी वैसे हम इसके बिना सो सकते हैं। जब कभी मायके में लाइट चली जाती थी तो हम बिना पंखे के सो जाते थे। हाँ, नहीं की बहू, सजा हमें गेस्ट रूम में सोने की मिली है, इतना काहे सोचना। चलो इसे साफ सूफ कर ले बढ़िया से। आओ। लगाए गिन्नी और नई की बहू उसमें फंस के घूमे चक्कर घिन्नी।
ई फर्राटा पंखा की हवा नईकी बहू की हवा बिगाड़ देगा। और अब होगा कुछ और धमाकेदार तमाशा ई घर में। कल फिर सवेरे सवेरे ई हवा का हरजाना भरना पड़ेगा सिया बहू को। सासू माँ का तांडव देख के बहुते ही मजा आने वाला है। क्या हुआ कप्तान साहब? चलिए सोना नहीं है क्या? नहीं मलकी, आप जाइए सो जाइए, अभी हमारी आंखों में नींद नहीं है। जब आ जाएगी तो हम आ जाएंगे। मन की बात दबा कर रखने से चोट शरीर को ही लगती है। मन में जो है वो कह डालिए कप्तान साहब। मलकिन, क्या आपको वाकई लगता है कि सिया बहू ने मटकी जानबूझकर तोड़ी, जबकि उसे इस बात का अंदाजा है कि उसकी एक गलती उसे कितने सारे ताने या कितनी सजा दिला सकती है? जरा सोची मलकिन, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिया बहू के हाथ से वो मटकी छूट गई। एक मिनट, ये उस मटकी का टुकड़ा जरा छू कर देखिए, कितनी चिकनाई जमी है इसके टुकड़े पर। आपने तो पुलिसिया तहकीकात शुरू कर दी कप्तान साहब, लेकिन इससे बात कहां साबित होती है कि छोटकी बहू ने मटकी जानबूझकर नहीं तोड़ी। जैसे आपको ये छूकर पता चल गया कि इसमें इतनी चिकनाई है, इसका अंदाजा तो उसे भी हो गया होगा ना, तो उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। और वैसे भी जैसे आप सब छुटकी बहू को समझ रहे हैं, वैसी वो है नहीं। मलकिन, पुलिसिया तहकीकात की बात नहीं है, हम तो सिर्फ इस परिवार में जो हो रहा है उसमें झांक कर देखना चाहते हैं, जो शायद आप। मलकिन, क्या आप ये साबित कर सकती हैं कि सिया बहू ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया? हमारे देश का कानून भी ये मानता है कि चाहे दो गुनाहगारों को सजा ना मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बेगुनाह को सजा मिली तो वहीं से विरोध उत्पन्न होता है, और फिर चाहे देश हो या घर, ये बात दोनों पर लागू होती है। मलकिन, तो आपको वाकई लगता है कप्तान साहब कि छुटकी बहू बेकसूर है और एक दिन वो हमारे निर्णय का विरोध करेगी? पता नहीं मलकिन, विरोध करेगी या नहीं करेगी तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें जिस बात का अंदेशा हो रहा है कि आने वाले वक्त में इस परिवार में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कप्तान साहब। और अगर ऐसा होता है, हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं, आपकी नौलखा है, कोई रुई के फाहे नहीं। किसी ने हमारे निर्णय का विरोध किया तो उसे मसल कर पिचुनी बना दे। ये हमारा घर है,
यहाँ हम निश्चित करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं। कप्तान साहब, ये बड़हलगंज की कोतवाली नहीं, हमारा घर है। यहाँ किसी को जमानत नहीं। देखो चला। अरे एक छुटकी देवरानी, जरा इसके डायने को तो हिलाओ। का है ना, बहुत दिनों से चला नहीं ना है, ये जाम जूम हो गया है। ए झरझर वाली, तुम देखो तो जरा पंखे को, इनको समझ नहीं आने वाला है। नहीं हो रहा है दीदी, लगता है कुछ खराब हो गया है इसमें, शायद घुमाने से ये चलने लगी। हाँ करो कोशिश, शायद चल जाए। और तुम छुटकी देवरानी, लगता है अपने मायके में अपने हाथों से एक ठो फूल तक नहीं तोड़ी हो। थोड़ा जोर से चलाओ पंखे को, तब ना रात भर हवा खा पाओगी। दीदी एक मिनट, हम कोशिश करते हैं। कर दीजिए, हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया हमसे। दीदी आपको बहुत दुख रहा होगा ना। दीदी एक मिनट रुकिए। दीदी उंगली इसमें डालिए और आराम से। सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। जी हाँ, ऐसे मत बोल, हम जानते ही सब तुमने जानबूझ कर नहीं किया। ये तो बस दीदी बहुत दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। झरझर वाली की झर्रई हंसी उड़ गई ना घायलों के, और वो छुटकी देवरानी उनके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई। ये देख के कि झरझर वाली को चोट लगाने का अपजस हो गया, पर इतने से कोनो काम नहीं बनेगा। कल सुबह एक और बड़ा तमाशा होना चाहिए, तभी ना अक्कल ठिकाने आएगी अपनी सिया रानी की।
हमारे देश का कानून भी ये मानता है कि चाहे दो गुनाहगारों को सजा ना मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बेगुनाह को सजा मिली तो वहीं से विरोध उत्पन्न होता है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना दीदी। चुटकी देवरानी, जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुकी हो। अब तो ये घाव ठीक होने का ही इंतजार कर सकते हैं ना। अभी मरहम पट्टी कर देते हैं, शायद थोड़ा ठीक हो जाए, पर दर्द तो फिर भी ना होगा बिचारी को। एसिया रानी, जरा समर बबुआ से पूछो तो, वो खेलने उलने में चोट चोट लग जाती होगी, तो दर्द के लिए कौन सी टिकिया लेते हैं ताकि वो टिकिया इसको दे, राधर सो ना पाएगी बिचारी। ये बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द तो होगा ही ना, ठीक कर रहे हैं अभी, दिखाओ। समर जी, आपके पास पेन किलर है? आपके पास दर्द कम करने की दवा है तो प्लीज हमें दे दीजिए। आप हमसे नाराज हैं? गुड नाइट। ऐसी अल्प टाहन वाली लापरवाही काहे करती हो? तुम्हारी वजह से ये झरझर वाली कुचा थोड़ा गई ना पंखे में। दीदी, हमारी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पंखा यूं चल जाएगा और आपकी उंगली उसमें आ जाएगी। सिया, हम अच्छे से जानते हैं ये सब तुमने जानबूझ कर नहीं किया है। दुर्घटना तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है ना। अगर हमें पहले से इसका अंदाजा होता तो थोड़ी ना हमारा ऐसे हाथ कटता। वो तो अचानक से पंखा चला और हमारी उंगली फंस गई। छुटकी देवरानी, तुम्हारी वजह से ये झरझर वाली कोनो काम की नहीं रही। अब कौन करेगा सुबह घर का काम और पूजा आरती? छोड़ो ये सब, वो टिकिया लाओ दर्द भगाने वाली। दीदी, ये दवाई, और आप परेशान मत होइए, सुबह की पूजा हम कर लेंगे। सिया, ये हमारी आरती की किताब है, तुम इसे रख लो। ए सिया रानी, इतनी गर्मी है ये कमरे में, थोड़ा पंखा उंखा चलाओ, या वो भी नहीं चला सकती हो? लियो,
दवा गई बदल और अब नहीं है यहाँ दर्द का कोई भी हल। लो तुम्हारी गोलियां। सिया रानी पानी तो दो। लो ये गोली पानी से गटक लो और दर्द को पटक लो, पी जाओ। दीदी आप सो जाइए, हम जाग रहे हैं इनका ख्याल रखने के लिए। माई रे माई, छुटकी देवरानी इतनी उदारता दिखाओगी तो बहुत सारे काम चौपट हो जाएंगे। हाँ तुम ही तो भोरे जल्दी उठ के पूजा आरती संभालनी है ना। चलो सो जाओ नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। और जैसे ही झरझर वाली पे गोली असर करेगी ये सो जाएगी और फिर हम भी सो जाएंगे। चलो। अरे क्या देख रही हो, अब लोरी गा के सुनाए तभी सोगी। करो आंखें बंद और सो जाओ। सुबह हो गई। दीदी 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 उठिए। दीदी उठिए सुबह हो गई। कालमनी दीदी उठिए। अब क्या करें हम? हाँ एक काम करते हैं, पहले जाके पूजा कर लेते हैं। बड़को
झरझर वाले कहाँ है महारानी लोग? दीदी उठिए, सासू माँ आ गई। दीदी 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 उठिए, सासू माँ आ गई। दीदी उठिए, दीदी जल्दी उठिए। हद हो गई अम्मा, नाश्ता तो दूर की बात है, सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सुमा वो झरझर वाली दीदी को तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा और बहुओं का तो बिल्कुल भी नहीं। ये घर आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा और बहुओं का तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक अपने दम पर जिए और आगे भी जिएंगे, न किसी की जगह चुराई किए हो न बर्दाश्त करेंगे। तुम यहाँ घुस के क्या कर रही हो? सासू माँ वो हम सबके लिए नाश्ता बना रहे हैं। अरे छुटकी बहू, ठान के बैठी हो ना कि सत्यानाश करके ही दम लो। रसोई की तुम्हारी पूजा नहीं हुई है ना, तुमसे मना किए थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूल्हा छूने की? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई सासू माँ? हम तो बस हमारे सामने मेमना बनने का नाटक मत करो। ये सब अपशगुन फैला के हमारे रीत रिवाजों का माखौल उड़ा रही हो। आज तक झरझर वाली और बड़को कभी ससुराल में इतनी देर तक नहीं सो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारे खिलाफ विरोध करने की कोशिश कर रही है। और जो इस सामान को हाथ लगाई हो ना, सबको बोरिया में भरो। आ जाओ, बताते हैं। निकालो सारा सामान। लेकिन सासू माँ ये यहाँ किस लिए? इसलिए कि बिना रसोई पूजन के रसोई बनाने के लिए बहुत छटपटा रही थी ना, तो अब तुम्हारे मन की मुराद पूरी होने वाली है। अब से दिवाली तक इसी सामान में तुम्हें अपनी गृहस्थी और रसोई चलानी है, अपने और अपने पति का खाना बनाना है। और हाँ, याद रहे सिर्फ इतने ही बर्तन इस्तेमाल करने हैं। अब जाओ अंदर, जाके चूल्हा और सिलेंडर लेती आओ जो तुमने छुआ है। और एक बात, अपनी रसोई में जुटने से पहले हमारी रसोई की रोज साफ सफाई करोगी, तभी तुम्हें जरूरत का अन्न और राशन मिले।
सासू माँ। आप जो बोलेंगी हम करेंगे, मगर हम आपसे विनती करते हैं, आप हमसे यूं नाराज मत होइए सासू माँ। सुनो, तुम्हारी असलियत सबके सामने है, और ये जो हमारे खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रही हो ना, सब पता चल रहा है। दीदी, हम सच बोल रहे हैं, हम तो बस वाह, जेकरे हाथ जलत लुकार वही बहावे अश्वंधार। तुम्हें क्या लगता है हमारे आंख में पर्दा पड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता कि इस घर में क्या होता है? इस घर की बहू है, कौन सा तमाशा नाथी है, और कौन है जो बवाल मचाए? आसुमा सच बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। छोटकी बहू, इससे पहले भी घर में अगर कोई बेकाबू होना चाहा है ना, तो हमने उसको होने नहीं दिया, उसके नाक में नकेल डाल दी, फिर तुम क्या चीज है? सासुमा, अब तक रसोई पूजन भी नहीं हुआ है, हम आपसे विनती करते हैं कि इस घर में रसोई शुरू करने से पहले आप हमारा रसोई पूजन करा दे तो। ये सब तुमको क्या जरूरत है? जैसे सब कुछ अपने आप कर ली हो, वैसे रसोई पूजन भी अपने आप ही कर लोगी, हमें पूरा यकीन है। पर सासू माँ, हम नहीं जानते कि रसोई पूजन की रस्म कैसे करते हैं, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? अम्मा, आज तो सुबह से घर में चाय तक नसीब नहीं हुई। अरे कैसे मिलेगी, छोटकी बहू की आगच ही ऐसी है। लेकिन अम्मा, चाय के बिना कैसे? समारो बिटिया, अरे जब तुम 10वीं कक्षा के गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल की तैयारी कर रही थी, तो कितनी बढ़िया इलायची की चाय बनाती थी। महारानी लोग सो रहे हैं, उनको सोने दो। जाओ बेटा, आज तुम्हें चाय बना दो। अम्मा, हम कह रहे थे कि हम जाके अभी गिन्नी भाभी को और झज्जर वाले को उठा देते हैं। अरे बेटा, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? जाओ बेटा, तुम ही चाय बना दो। जी अम्मा, देखिए ना, हमने परसों ही झज्जर वाली भाभी को अपनी ग्रीन कवर किस कर दी थी कि वो साफ कर दे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस घर की हवा ही बदल चुकी है तीजा, अब ग्रीन की जगह ब्लू भी पहन लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और वैसे भी अब इस घर की बहुएं इस बात के इंतजार में हैं कि उनकी साड़ी कपड़े का ध्यान भी बेटियां रखें। खैर, तुम ये सब बात छोड़ो और जाके जो खीर बनी है ना, शरद पूर्णिमा का प्रसाद, जाके सब में बांट। दीदी मैं? हाँ तुम पीजा। अरे बेटा, तुम ही प्रसाद बांटाओ, झूठा ना हो इसलिए कह रहे हैं, फिर बाद में खा ले, तब तक सवारो चाय बना ले। चाय पाने के लिए भी तरस जाएंगे अभी बिटिया लोग। ये कहते हैं गिन्नी का गुन्नी होना, एक ही चाय में कर दिया ना नाग नथैया। आ गई ना चौड़ी सड़क से सीधा पगडंडी पे, लगाना पड़ गया ना ये महारानी बिटिया लोगन को काम पे, और ये छुटकी रानी बहुते सत्ती मैया बन रही थी, बहुते ही शौक था इको पंखे की हवा खाने का, पर क्या हुआ, झाड़ खा रही है सासू माँ से। खैर, ई दुलत्ती खाए या पचलत्ती, हम तो चले सोने। गिन्नी के तरकस से कोनो तीर खाली नहीं ना जाता है।
यही को कहते हैं एक तीर से कई निशाने। अब साथ दे रहा है हमरा नसीब। आओ 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 मल्लिका हिंदुस्तान आओ। अरे जय नसीब हमरे जो इस घर में तुम अपने नाजुक नाजुक हाथों से हमरे लिए ही चाय बना के लाए। बस यही दिन बचे थे तुमरे अपने मायके में। भाई आओ चाय पिए। यहाँ 75 लोगों की चाय बना के जान निकली पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। दीदी 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 जल्दी चलिए। कहाँ? आज आपका टैलेंट दिखने वाला है और मुझे पता है कि आज आप ट्रेन शेफ मान ली जाएंगी इस घर में। क्या बोल रही हो तुम? आप अच्छा खाना बनाएंगी तो टीवी प्रोग्राम वाले बुलाकर आपको देंगे ट्रेन शेफ का खिताब और आपको मिलेंगे ढेर सारे नाम शनाम। बड़ा मजा आएगा ना? और तब प्राउड फील करूंगी। मतलब मैं अभी भी प्राउड फील कर रही हूँ कि आप मेरी दीदी हैं। लेकिन अम्मा ने सबका नाश्ता बनाने को कहा है, अब जल्दी चलिए। क्या चलिए चलिए लगा रखा है? हम नहीं जाने वाले कहीं और हमसे नहीं बनेगा किसी का नाश्ता वास्ता। चाय बना दिए यही बहुत है, जाके भाभी लोग को जगाओ। अरे मैं गई थी जगाने को लेकिन झज्जर वाली का नाक तो कौड़ी राम के मिल के सायरन की तरह बज रहा है। पता नहीं क्या खा पी कर सोई है दोनों लोग। अरे तो वो सिया महारानी तो जगी है ना, जाके उसको बोलो नाश्ता बनाने के लिए। हमसे नहीं होगा, यही सब करने के लिए आए क्या यहाँ? दीदी वो कैसे बना सकती है? नई की भाभी का चूल्हा छुआई की रस्म अभी तक हो ही कहा है। जब से अम्मा ने उन्हें रसोई से बाहर निकाला है ना, धोबी का कुत्ता हो गई है, ना घर की रही और ना घाट की। अब जल्दी चलिए। अरे बेटा आओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या लेके आई है ये भाई? ओहो ये लीजिए आपके लिए प्रसाद। दादाजी बहुत अच्छी खीर है। थैंक यू मैं अपना प्रसाद ले लेता हूँ। अरे रिमझिम एक मिनट। हाँ बेटा एक काम करो कि ये वाली जो खीर है ना प्रसाद अपनी नई वाली चाची को दे दीजिएगा। लेकिन दादाजी हमारे पास चाची के लिए प्रसाद है ना? तो कोई बात नहीं हम ये वाला प्रसाद ले लेते। प्रसाद तो एक ही होता है ना, है? चल और इसी कागज से ढक के देना। ओके दादाजी। ओके बेटा। नई की भाभी आज समर भैया का मैच है, वो जल्दी निकलेंगे। हम उनके लिए नाश्ता बना रहे थे लेकिन मालकिन जी ने कहा कि हाँ हाँ हम अभी तैयार कर देते हैं, बस थोड़ी देर में बन जाएगा। अच्छा अगर हम नाश्ता कैसे तैयार करें? अभी तक तो रसोई पूजन भी नहीं हुआ और हमें आता भी नहीं। कुछ गलत सलत हो गया तो और कोई अपशगुन हो गया तो हे भगवान हमारी मदद कीजिए तो रास्ता दिखाइए। छोटी चाची ये लीजिए आपका प्रसाद। रसोई पूजन की विधि एवं सामग्री। रिमझिम
भाभी जी, समर भैया नहाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम बनाने जा रहे हैं, जब तक वो निकलेंगे तब तक तैयार हो जाएगा नाश्ता। बनाओ। हाँ, पहले मीठा बनाना होता है। दोपहर के खाने के बाद हम सब मिलकर रसोई घर की सफाई करें। अरे ये कैसे काट रही हो? सास मुंडी काट देगी, ऐसे टमाटर काटा जाता है? देखो ऐसे काटते हैं। अम्मा मुझे आता है, वो तो इस चाकू की धारी ठीक नहीं है, इसीलिए तो ऐसा कट रहा है। अरे क्या हुआ सवारो? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा ज्यादा घिस दिया। अच्छा ठीक है, तुम गाजर को कस लो, और हाँ मेहमान जी के लिए जूस बना। अम्मा वो आज जूस नहीं पियेंगे, कल रात से ही उनका पेट खराब है। अच्छा सासू माँ, हमें चकला बेलन, आलू और आटा चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा। समर को आलू के पराठे बहुत पसंद। छोटकी बहू, तुम जो चीजें मांग रही हो ना, उसमें से केवल दो चीजें ही मिली, और वो भी रसोई घर की सफाई करने के बाद। अगर रसोई घर में जरा सी भी गंदगी बची रह गई ना, तो दोनों चीजें नहीं मिली। समझी? जी सासू माँ। बोलो अब कौन सी दो चीजें चाहिए? सासू माँ, आलू और आटा।
नाश्ता। ये क्या? वो समर जी थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया तो ऐसा बन गया। जल्दी जल्दी का क्या मतलब? आप यहाँ मजाक करने के लिए? लाइफ में इस शक्ल का पराठा मैंने आज तक देखा नहीं, और जब आपको बनाना ही नहीं आता तो फिर बनाया क्यों? कालिंदी भाभी को बोल देती, और वैसे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आज तक मेरा नाश्ता सिर्फ कालिंदी भाभी या गिन्नी भाभी बनाती हैं, तो प्लीज उन्हें ही बनाने दीजिए। समर जी आप गुस्सा मत कीजिए, आप खुशी खुशी जाइए। आज इतना इम्पोर्टेंट मैच है और आप हमारी वजह से नहीं, हम वापस से बना के ला। प्लीज मेरे मैच के दिन ही मेरा मूड अपसेट करने के लिए थैंक यू। आप मुझे जाने देंगे? ये लो बेटा, बिना खाए घर से बाहर निकलना मना है। हमने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए, तुम्हें पसंद है ना हमारे हाथों से? नहीं मां, मुझे नहीं खाना। अच्छा लो दही खा लो, दही खाने से जतरा बनता है।